जमशेदपुर से एक अजीब वाकया पेश आया है। दरअसल जमशेदपुर में सोनारी लिंक रोड से ट्रैफिक पुलिस के सामने रोते हुए एक व्यक्ति का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर ये पता चलता है कि सोनारी लिंक रोड में चेकिंग के दौरान पुलिस ने उस आदमी को डबल हेलमेट ना पहनने पर रोककर चालान काटने की बात कही। चालान काटने की बात सुनते ही वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। इसके साथ ही वहां वीडियो बनाने वालों की और उसे देखने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रोता हुआ ये आदमी वीडियो में ये बोलता नजर आ रहा है कि उसके पास रुपए नहीं है और ना ही नौकरी, वो चालान कहां से दे पाएगा। दरअसल इन दिनों जमशेदपुर में हर चौक चौराहे पर जमकर चेकिंग चल रही है। साथ ही शहर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए डबल हेलमेट को भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।